जाएगा है ना, जाएगा आगे जाएगा, क्योंकि मैं प्लेयर को ना थोड़ा उसका बैकग्राउंड देखना पसंद करता हूँ, कहाँ से आता है, उसकी जर्नी क्या है। वो यूपी के ही है, अलीगढ़ के हैं। वो जब अपना आखिरी सॉरी पहला उनका जो पहला मैच था यूपी के लिए विजय हजारे ट्रॉफी में, वो मेरा लास्ट ईयर था यूपी के लिए। अच्छा जी। मैं नंबर 3 खेला, मैंने 70 मारे, वो नंबर 4 आया, 80 बनाए उन्होंने, 80 मारे। अरे वाह, तो एक साल खेलने का मौका मिला उनके साथ। हाँ, बहुत मेहनती प्लेयर है। अच्छा। बहुत मेहनती प्लेयर है, जहनी तौर पर बहुत मजबूत, क्योंकि आप जब लास्ट बॉल लास्ट ओवर फेस कर रहे होते हो तो वहाँ फिर काबिलियत हुनर तो आप होता ही है जी, पर कितने मजबूत हो मेंटली, मेंटल मेंटल स्ट्रेंथ, वो पूरा खेल वहाँ जहन पे आता है कि मनोवैज्ञानिक तौर पे कितने ज्यादा मजबूत हो। तो मजबूती लोग बोलते हैं ना कि यार निर्णय लेना, अपने जहन को बताना कि बॉस ये सही कॉल है इस मोमेंट पे, जहाँ दबाव ज्यादा है तो वो सही कॉल लिया, बॉल को वेट किया। उनके अगर शॉट देखें तो बिल्कुल उनके चेहरे पे कोई शिकस्त नहीं है, कोई ऐसे एक दबाव नहीं है। आप नो यू कैन मेक आउट कि बॉस ये लास्ट ओवर को इंजॉय कर रहा है, क्योंकि इतनी ट्रेनिंग वो करके आए हैं, डोमेस्टिक में बहुत रन मार के आए, यू नो हर रणजी मैच में 102 नॉट आउट। अगर आप यूपी का पेपर उठाओगे ना, हिंदी पेपर, हाँ जी, तो वहाँ रिंकू सिंह का नाम छाया होता है। अच्छा। जब भी वो डोमेस्टिक, वो ट्रेनिंग मैंने बोला ट्रेनिंग आपको वहाँ मिलती है, काम आ जाए डोमेस्टिक में ट्रेनिंग लेके आते हो, क्योंकि वो आपका मेन ग्राउंड है, ट्रेनिंग ग्राउंड है, क्योंकि तो फॉर्म लेके आए, जो काम दुनिया के बेस्ट फिनिशर नहीं कर पाए, पोलार्ड थे, रसल साहब जो मतलब नामी फिनिशर क्या था, प्रसिद्ध, धोनी साहब का भी नाम जोड़ लो, धोनी साहब भी फिनिशर है। हाँ जी। पर 5 बॉल 5 छक्के यार, कौन किसने अभी तक नहीं किया, मतलब इतिहास उठा के देख लो आप। या, या। और वो अनकैप प्लेयर है, इंडिया के लिए खेला भी नहीं है, अनकैप प्लेयर ने 5 बॉल 5 छक्के। मैं आपको अगर ना अंडर आर्म फुल टॉस दूं ना, आप 5 छक्के नहीं मार पाओगे लास्ट ओवर में, नहीं मार पाओगे अंडर आर्म ऐसे दूंगा ना। करेक्ट। 5 बॉल 5 छक्के, इतना दबाव होता है, इतना प्रेशर होता है,